लो भाई, दिए जला दिए हैं, फूल वूल सजा दिए हैं, तुम्हारा फेवरेट कुर्ता पहन लिया है, मतलब सब सॉर्टेड। क्या बात है, कह डा रही हो बाय गॉड। शट अप आशीष, तुम्हें पता है कितनी नर्वस हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? ओहो काम्या, डोंट वरी यार, दे विल अंडरस्टैंड कि हमने उनको क्या सोच के बुलाया है, एंड यू नो वी हैड टू डू इट राइट। आई नो, इट्स जस्ट दैट। काम्या रिलैक्स, सब ठीक होगा, ओके, ट्रस्ट मी, ऑल द बेस्ट। हे, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई, मुझे पता था सबसे पहले तू ही आएगा। अब अकेले होटल में भी क्या करता, मैं तो कह ही रहा था पहले घर आ जा। अरे यार, यू नो क्लाइंट्स एंड ऑल, मीटिंग्स शेड्यूल होती है तो। अच्छा, काम्या, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। काफी मोटी हो गई हां। तू जैसे मोटा नहीं लग रहा, चल आ जा, फुर्सत मिल गई आकर मिलने की। अरे बड़ा आदमी हो गया है, इसके पास अब कहां टाइम है। दिस इज फॉर यू गाइस। थैंक यू। इसमें क्या है? सोन पापड़ी। आशीष, चॉकलेट्स है, लंदन से लेके आया। अरे तुम लंदन वाले कभी तो इन चॉकलेट्स की फॉर्मेलिटी से आगे बढ़ो यार। अबे यार, लाया था इसके लिए एक पैकेट, इतनी बढ़िया जिन थी ना, वो फ्लाइट में ही छूट गया। कंप्लेन डाल के 5 दिन में आ जाएगी, टेंशन ना ले। वो सब छोड़, बता कैसा है वहाँ, घर वाले कैसे हैं? हाँ सब ठीक है, बस थोड़े से अपसेट थे क्योंकि दिवाली है और बाहर जा रहा हूँ। बस बाहर जा रहे मतलब? ये देखो हमारा NRI दोस्त, 2 साल हुए नहीं लंदन गए हुए, इंडिया को बाहर बोल रहा है, बहुत बढ़िया। यू नो व्हाट आई मीन। या या, वी अंडरस्टैंड। आशीष तो ऐसे ही बोलता है, यू नो हाउ ही इज। हाँ पता है, मुझे लगा शादी के बाद बदल जाएगा। नॉट एट ऑल, वही हाल है। मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। अरे बैठो, सिट। ओ शिट, क्या हुआ? अरे यार, बियर की बॉटल अंदर नहीं रखी फ्रिज में। वॉट? अरे ठंडी बियर की बॉटल नहीं होगी तो मजा थोड़ा आएगा यार। देख शुभम, ये होता है शादी के बाद। एक्सक्यूज मी, क्या होता है शादी के बाद? अरे यार, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। तुम्हारी लाइटों के चक्कर में अपनी बियर भूल गया। अच्छा, अब ये लाइट्स मेरी होगी। ऑफ कोर्स तुम्हारी हैं। तुम दोनों अभी भी ऐसे ही लड़ते हो? सॉरी सॉरी सॉरी, कैरी ऑन कैरी ऑन। मैं ना स्टोर से आइस बॉक्स ले आता। और बता हीरो, कैसा है सब कुछ, शादी वादी कर रहे हैं या वही? हाँ बात चल रही है, देखो कहाँ तक पहुँचती है। क्या बात है, फोटो दिखा। अरे स्टोर की चाबी कहाँ रखी है? ओफो, एक सेकेंड, आ रही हूँ। हाँ प्लीज। हैप्पी दिवाली, कम। यू मस्ट बी सरप्राइज कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हैप्पी दिवाली, कम। हे पल्लवी, हैप्पी दिवाली। बैठो बैठो, चलना क्या देख रहा है? अच्छा इधर। तुम दोनों लास्ट हमारी शादी में मिले थे क्या? नहीं, अब पल्लवी बाद में आई थी रिसेप्शन पे। काम्या, हेल्प चाहिए थी ना। किस लिए? चलो ना, एक मिनट बात करनी है। और फिर
आई थिंक मुझे निकलना चाहिए। एक मिनट, क्या मतलब निकलना चाहिए? तुझे पता है क्यों निकलना चाहिए? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कौन? शुभम? नहीं, आशीष। शुभम ऑब्वियसली। देख शुभम, तेरे चले जाने से चीजें बदलेंगी तो है नहीं, ठीक है? तुझे ऐसे थोड़ा ना बुलाया ताकि तू इतना परेशान हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि तेरी और पल्लवी की जो भी ऑकवर्डनेस है बात करके उसे खत्म करो ना यार। कैसी ऑकवर्डनेस भाई, करते हैं ना बात, है ना ग्रुप पे व्हाट्सएप पे। अच्छा तुझे याद है, थैंक यू। और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या बातें होती, क्या बातें होती? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली। यार छोड़ दो ये सब, 2 साल हो गए उस बात को। ले देखे तो दोस्त थे, अच्छा खासा ग्रुप था, सब खत्म हो गया। तो काम्या, he ditched me, he just left. You know what I've been through. सब अपने रास्ते निकल लिए थे। मैं, you got married, I was left alone. तुम लोगों का जो भी है खत्म करना पड़ेगा यार इसे। तो तुम सब आपस में बात करो और सॉर्ट करो यार, फालतू में खींचो मत इस सबको। तुम सब की मतलब? Don't tell me तुमने नितिन को भी यहाँ पे बुला रखा है। जा रहा हूँ। अरे शुभम, thanks for inviting me. शुभम, बात तो सुन। शुभम, तुझे पता है क्या कर रही है? बताया तूने इसको? चुप की है, भौंकना अब। क्या बोलूं पांडे, तुझे पता चले गया तो तेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा तेरे को? तू जानता नहीं बिजनेस आईडिया कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अबे साले, कॉलेज में साथ में बैठ के बनाया था इसको, बैठ के क्रैक किया था इसको, और जब फाइनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो तू बहनचोद लंदन भाग रहा है। कौन से इन्वेस्टर्स? वो तेरे पापा के दोस्त जो तेरे बिजनेस आईडिया में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जितने एक बात बोलूं, बुरा मत मानियो, सब जानते हैं तुझे ना घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरा बिजनेस चले या ना चले। तूने बस अपनी ईगो को फीड कर रहा है और अपने अमीर बाप को दिखाने के लिए कि तू भी कोई चीज़ है उनके बगैर। 1 साल वेस्ट कर चुका हूँ और टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, क्योंकि मेरा बाप ना तेरे बाप की तरह अमीर नहीं है। अच्छा, और ये समझने में तुझे 1 साल लग गया? तुझे भी यही लग रहा होगा जो ये भौंक रहा है सही बोल रहा है, सारी गलती मेरी है? हाँ, हमेशा तो यही रहा, मेरा पैसा, मेरी ईगो, मेरा बाप। लेकिन तुझे पता अचानक से ये लंदन जाने का मूड कैसे बना भाई साहब का? बताया तूने इसको? हमारा जो पोटेंशियल क्लाइंट था ना लंदन में, जिसके पास मैंने इसको भेजा था अपना बिजनेस पिच करने के लिए, बिजनेस विजनेस तो लेके आया ही नहीं, हमारा से अपना जॉब ऑफर लेके आ गया ये। हाँ तो लेके आया हूँ जॉब ऑफर, लेकिन पता क्यों? क्योंकि तेरे बिजनेस आइडिया से ज्यादा ना उन्हें मुझ में पोटेंशियल दिख रहा था, समझा? शाबाश, और तूने बहुत कन्वीनियंटली इसको सिर्फ मेरा बिजनेस आइडिया बना के छोड़ दिया, वाह। साले, सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी कि तेरे पे भरोसा किया, और दूसरी गलती करी तेरे को अपना दोस्त मान के, और तीसरी गलती तेरे से नल्ले को अपना बिजनेस पार्टनर समझाया मैंने। मैं नहीं हूं नल्ला, तू है नल्ला, अपने बाप के पैसे बेची रहा है। अबे चल जाके भीख मांग। चल गाइस, क्या चल रहा है? कोई कुछ बोलेगा आशीष? अरे ये गया था ना अभी लंदन, इनके इन्वेस्टर से बात करने, तो बस वही डिस्कस कर रहा था। तू कुछ बात बनी? कुछ बात तो बहुत बड़ी बन गई काम्या। क्या हुआ शुभम? बोलो। आई एम गोइंग टू लंदन। फिर से? हमेशा के लिए, हम सबको छोड़ के जा रहा है। नितिन यार, मजाक करने का भी एक टाइम होता है। आई विश मैं मजाक कर रहा होगा। आई विश। व्हाट? शुभम, इज इट ट्रू? पल्लवी, आई वाज अबाउट टू टेल यू। व्हेन? कब शुभम? हंस क्या रहे बे? नहीं वो मुझे लगा सिर्फ मेरा ही कटा है, बट
थोड़ा ना तमीज से बात कर, समझा? तो क्या करेगा तू? Can't believe this. पल्लवी, पल्लवी. ये ले नितिन, तू भी. ऐसी ड्रिंक तूने पहले कभी नहीं पी होगी. ऐसा क्या बना रहे बे तू? दिस माई फ्रेंड इज कॉल्ड जिमीज कॉकटेल्स. हाँ, जिमीज कॉकटेल्स पी के देख. किसी फाइव स्टार होटल के बारटेंडर ने भी ना ऐसी ड्रिंक नहीं बनाओगी तेरे लिए. चल, कुछ भी बोले जा रहा है. ये तो बढ़िया है यार. टोल्ड यू. मॉडल खाइयो. शुभम, शुभम तेरे लिए बना दो ना एक. नहीं यार, वो गला ठीक नहीं है और सडन चेंज हो गया. दस आई थिंक आई विल पुश ऑफ. एक मिनट, बेटर है क्या? पुश ऑफ क्या बात कर रहा है? बड़ी, आई हैव अ मीटिंग टुमारो सो आई हैव टू प्रिपेयर. चुपचाप बैठा रहे तू, समझाना इसे क्या बोल रहा है ये. आई हैव अ मीटिंग, पुश ऑफ. छोड़ ना, आदत है उसकी चीज़ें बीच में छोड़ के भागने की. वो क्या कहते थे उसे, भगोड़ा. But right now, नहीं हो पा रहा. I'm not comfortable with him here. Please, उसको बोलो please जाए, या फिर otherwise I'll leave. ठीक है, थोड़ी देर में बोल दूँगी. ओके? यार नितिन, क्या बोल रहा है यार तू? अब जो करता है वही कहूँगा ना. बच्चे थोड़ा ना यार, क्या बोल रहे हैं? ये भी तो वही कर रहा है जो इसे आता है. बकवास. अभी वो लंदन रिटर्न. बकवास कौन करता है कौन नहीं करता है सबको मालूम है. ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत कर, समझा? हे नितिन, हे. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. अरे आप भी आए हैं पल्लवी. हाय, हैप्पी दिवाली. हाँ, सही सीन मना दिया भाई तूने. सिट नो. आई विल गेट यू गाइस समथिंग. हां, और बता, लंदन में सब बढ़िया चल रहा है? सब ठीक है. या फिर वहाँ से भी तेरा मन भर गया? थिंग्स आर कूल. बढ़िया, फिर तो सही छाप रहा होगा तू. अब तू कन्वर्ट कर गया तो हाँ, ऑब्वियसली सही छाप रहा हूँ मैं. शादी करने की सोच रहा है अब ये तो. कौन, शुभम? पल्लवी, पल्लवी, बात सुनो पल्लवी, पल्लवी. शुभम, you know I cannot leave India. I was fucking planning our wedding. What is wrong with you? Baby, I also want to get married to you, but you know what? ऐसी lifetime opportunity कभी नहीं मिलती, right? कुछ सालों की बात है ना, हम वापस आके दोबारा भी तो कर सकते हैं. I know it's an opportunity for you. नहीं मिलती है सबको. मैं बस ये कह रही हूँ शुभम, let's get married. No, let's get married right now. मैं नहीं अनश्योर रह सकती हम दोनों के बारे में. प्लीज, कैन वी गेट मैरिड राइट नाउ? फोटो तो दिखाना, उस टाइम पे तो दिखा रहा था. दिखा. फोटो नहीं है. वो सब छोड़, तो अमीर हो गया होगा तू. तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम? जब से आया अनापशना बोले जा रहा. ओह सॉरी सॉरी, बुरा लग गया आपको? आई एम सो सॉरी आशीष, आई एम गोना हिट हिम रियली हार्ड. नितिन तू क्या कर रहा है? मुझे पता तो ना तुम लोग यहाँ आ रहे हो, तो मैं आता भी नहीं. हाँ तो जाना फिर, बुरा गेट गो. शुभम तुझे क्या लगता है, इनको पता होता कि तू आ रहा है तो ये आते? अगर मैं इन दोनों को बता देता कि कौन कौन आ रहा है तो ये लोग आते? मैं तुम में से किसी को भी बता देता ना कि कौन कौन आ रहा है तो पता क्या होता, मैं और काम्या बस अकेले बैठ के आज दिवाली बना रहे होते. तो इसको दिवाली मनाने कहते हैं? दिवाली अपनों के साथ मनाई जाती है. तो मैं नहीं हूं तेरा अपना,
काम्या नहीं है, इनफैक्ट तुम सब हमारे अपने हो यार। सर 2 साल से देख रहा हूं, तुम्हारा ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा। इसकी बात उससे नहीं कर सकते, उसकी बात इससे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबको अपनी ईगो प्यारी है। इट्स नॉट अबाउट ईगो आशीष, इज इट? सॉरी पल्लवी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि एक बार इससे बात कर ले, पर तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा। वाओ, इससे बात कर ले, वो भी तब जब ही डिसाइडेड टू लीव जस्ट लाइक दैट। So that's the point. Just like that. तुम सबको लगता है मैं selfish हूँ? मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। You know what my family have been through? और मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं था किसी दूसरे देश, किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल होना। हाँ तो किसने कहा था ये सब करने के लिए? मैं ना बैठ के तेरे इन्वेस्टर्स की वेट नहीं कर सकता था कि कब वो आएंगे और मैं अपना करियर स्टार्ट करूँ। I too wanted to marry Pallavi, लेकिन तब नहीं जब वो चाहती थी। और तुम दोनों जो मुझे सुना रहे हो, तू बता ना कहाँ गया तेरा आइडिया? बहुत पैशनेट था ना तू अपने आइडिया को लेकर। क्या कर रहा है वो आजकल? इवेंचुअली तू भी तो अपने फादर का बिजनेस ही संभाल रहा है। और पल्लवी का क्या, अब तू कर लेगा उससे शादी? वो कुछ शादी कर रही है, 2 साल में यही तो मैसेज आया उसका, आई एम गेटिंग मैरिड। हाँ तो क्या गलत किया उसने? कब तक हम खुद को सही और दूसरे को गलत प्रूफ करते रहेंगे यार? लेट्स फेस इट, वी ऑल हैव मेड सम मिस्टेक्स। जो चीज बोलनी चाहिए वो बस सोचकर बैठ जाते, और जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए वो बस बोल के छोड़ देते। यही करते हम। मुझे लगा था तुम यही होगे। एक्चुअली पीस ढूंढ रहा था। Who is the girl? है मेरे एक ऑफिस में पल्लवी। आई थिंक यू आर नेवर मेंट टू बी टुगेदर। Or maybe we were just as friends. You know, life is a bitch, and I'm sorry about it. You have to make tough decisions sometimes. और उस समय जाना बहुत जरूरी था। I hope you understand. It's okay. In fact, I think मुझे तुम्हें thank you बोलना चाहिए। या तुम नहीं जाते तो मैं भी कुछ नहीं करती। नाउ एट लीस्ट आई हैव अ बिजनेस टू लुक आफ्टर, सो थैंक यू। और शादी कब है? नेक्स्ट मंथ। इफ आई मे आस्क, आर यू हैप्पी? Then I am happy for you. सुना है लंदन में लड़कियां बहुत माल होती हैं। सही है क्या? देख यार, तेरे जाने के बाद ना मैंने बहुत सोचा कि तूने गलत किया या सही किया, बट अगर मैं तेरी जगह होता ना तो शायद मैं भी यही करता। I'm sorry. I know मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। आ जा यार।
एक बात बताओ, जब मैंने सही किया जाकर तो तुम सब सालों गाली की दे रहे थे मुझे। सबक भी तो सिखाना था, बात करने से ना सब सॉर्ट हो जाता, बस बात ही करवानी। वो सब ठीक है, ये आशीष कहाँ मर गया? ये कहाँ है? आशीष कहाँ है? खाना बना रहा है। शर्म कर ले, कुछ तो काम कर। मैं तो ऐसी ही हूँ। बहुत पेशी मैं, देखा नहीं है तुम चले गए थे। बात अगर जज्बातों की हो, दिल में दबी बातों की हो, तो मौका मिलते ही बातें कर लेनी चाहिए, रिश्तों में आई दरारें भर लेनी चाहिए। आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, अगर आई है तो आपको पता है क्या करना है, जो कि है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है तो आप प्लीज बाकियों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि बाकियों तक नहीं पहुंच पाती है, और अगर आप तक पहुंच गई है तो को भी बचा दो हमारा। तो गाइस कमेंट जरूर करें, लाइक करें, अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना मत भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट दिस दिवाली विद जिमी कॉकटेल्स, द लिंक इज इन द बायो। And also, please follow our pictures. Description. Description is in the bio. Description is in the description. Only YouTube pe dekh rahe ho. So guys, happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Bye. Dobara karna padega.